बदलों की आवाज मेरे कन्नां विच गूंज रही सी। मिठी मिठी ते ठंडी ठंडी हवा चल रही सी। निक्कियां निक्कियां कणियां दी किण मिण हो रही सी। एक कुदरती दृश बहुत ही चंगा लग रहा सी। पत्तियां दी हिल जुल दिल नूं छूंदी जा रही सी। चिड़िया दी चीं चीं ते पंछियां दा चहकना दिल नूं बहुत चंगा लग रहा सी। इंज लग रहा सी जिवें सब पशु पंछियां रुख पत्तियां सारियां ही चीज़ां ने नहा लिया होवे। ये दृश सब दे मन नूं बहुत मोह रहा सी। असी सारे ही ये सब कुछ देख रहे सी। अचानक मीह घट होया तां सारे एक घर विच ही आ गए। सब आपसी गल्लां बातां विच रुझ गए ते बच्चे खेडन लगे। पर एक छोटी जी बच्ची जो कि 3.5 या 4 साल दी सी, उस दी नज़र उस मेज़ दे उपर जो डायरी ते नाल एक पेंसिल पई सी उस उपर उसका ध्यान पैंदा है। ते ओ उस डायरी ते पेन वल जांदी है ते पेन उठाउंदी है ते नाल ही कहंदी है मम्मा मम्मा, अपनी मम्मी नूं कहंदी है ते डायरी भी चुक के अपनी मम्मी कोल लै जांदी है। ते डायरी खोल के उस उपर लाइना टेढ़ियां मेढ़ियां लगाउण लग जांदी है। मेरा मन उस बच्ची नूं देख के बहुत खुश होया कि वह छोटी जी बच्ची एक डायरी ते पेन वल वेखदिया ही उस वल आकर्षित होई ते उस दे मन विच शौक जा गया कि मैं इस पेन नूं चलावां। उस बच्ची दे मम्मी उस दियां टेढ़ियां मेढ़ियां लगाईयां लाइना नूं वेख के कहन लगे बेटे जदों स्कूल लगणगे तां तेरी भी एडमिशन करवाउणी है। एक बार एक करोना जो बीमारी चल रही है ठीक हो जावे। जिवें कि तुहानूं सब नूं पता ही है कि इस भयानक बीमारी दे कारण सब स्कूल बंद हन, सब दियां ऑनलाइन क्लासिज लग रही हन। जिहड़े बच्चे पहलां पढ़ रहे सी उह तां ऑनलाइन क्लासां लगा रहे हन, पर जिहड़े बच्चे छोटे बच्चे जिवें कि इस छोटी जी बच्ची दी गल मैं सुनाई है, 3.5 या 4 साल दे बच्चे जिन्हां ने कि पहली बार अजे स्कूल देखना ही सी, स्कूल दे माहौल विच विचरना सी, पर स्कूल बंद होण कारण वह छोटे जे बच्चे घर विच ही अपने पढ़ाई कर रहे हन। इस बीमारी कारण वह छोटे जे बच्चों का भी पढ़ाई का बहुत नुकसान हो रहा है। आपां सारे परमात्मा अगे यही अरदास कर सकते हैं कि सब कुछ जल्दी तो जल्दी ठीक होवे ते सारे स्कूल पहला वांग खुलन, बाकी सारे कारोबार भी जो बंद हैं इस बीमारी के कारण वह भी जल्दी तो जल्दी सब कारोबार चलन ते सही सलामत सब कुछ होवे। ते तुहानूं अज दी इह वीडियो किस तरह की लगी है कमेंट करके जरूर दस्यो। मिलते हैं अगली वीडियो के, तद तक लई सत श्री अकाल।